समाजवादी पार्टी का ऐलान 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 जेकर शाही किलबा शान 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 समाजवादी पार्टी का ऐलान जेकर शाही किलबा शान। अरे यूपी के लोगावन का जान शाही किल, अरे यूपी के लोगावन का जान शाही किल, बड़ी शानदार बतोहार साइकिल, बड़ी शानदार बतोहार साइकिल। अपने तो वोट दिया सबके बताया, 2024 में सपा के जीताया। मौजूदगी है समाजवादी कुटिया पर, एक बार पहले आपको यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। बच्चों में बेहद उत्साह है, एक उत्सव की तरह यहाँ कहा जाए। समाजवादी पार्टी के नेता जो है ऋषि यादव और इस कुटिया के संचालक, आज इनका जन्मदिन है और ये हर बार की तरह अपना जन्मदिन जो है ऋषि यादव कुटिया में मनाते हैं। भैया लोग होटल वोटल में जन्मदिन मनाते हैं, कुटिया में मना रहे हैं? नहीं, मैं जन्मदिन अपना मैं समाजवादी कुटिया में बच्चों के बीच में ही मनाता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये जन्मदिन आज बीता तो ये लोग फिर आने वाला एक साल इंतजार करेंगे, और बच्चों का बीच में ही हम अपना जन्मदिन मनाते हैं। हाँ, एक उत्सव की तरह बच्चे मना रहे हैं। हाँ, एकदम बच्चे खुश हैं और हर साल जन्मदिन समाजवादी कुटिया जब से स्थापना किए हैं यहाँ पे मनाने का हम काम करते हैं। क्या सोचे हैं कि इन बच्चों के लिए भविष्य में बढ़ता कदम कैसे उठाएंगे? देखिए, जैसा है कि हम जब पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, जब इस समय लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उस समय मैंने अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों की सेवा कार्य किया था। उसी समय से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्रेरणा से मैं ये समाजवादी कुटिया चला रहा हूँ। और जो आप देखे हैं, जब शुरुआत हुई थी तो छोटा सा वहाँ पर छप्पर था, छोटी सी कुटिया थी, और धीरे धीरे आज ये इतना बड़ा हो गया। आप देख रहे हैं इतनी सारी जगह हो गई है। तो कहीं ना कहीं कोई भी काम निरंतर हम जारी रखें, इसको धीरे धीरे और बढ़ाते रहेंगे। आने वाले समय में संघर्ष मेहनत जारी रहेगा, अगर भगवान चाहेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। भैया आप तो कहा जा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के हैं जी, तो क्या सुनाए उनाएंगे आज जन्मदिन पर? जन्मदिन पर हम ऋषि भैया को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, और बधाई देने के लिए मैं आजमगढ़ से आया हूँ, और एक गीत हमारी है ऋषि भैया के लिए व्यक्तिगत रूप से है। कि समाजवादी शेर कहाँ, अरे समाजवादी शेर कहाँ, सबसे ललकार भैया जन्मदिन बधाई ऋषि, जन्मदिन बधाई ऋषि यादव के हमार भैया जन्मदिन बधाई ऋषि। अरे भैया अखिलेश खूब दिल आशीर्वाद के, गाँव गाँव पहुँचावा मितवा समाजवाद के, सपका सपना तब सपका सपना तब हो सकार भैया जन्मदिन बधाई ऋषि, जन्मदिन बधाई ऋषि यादव के हमार भैया जन्मदिन बधाई ऋषि। अरे नया जोश नई चेता ना के तू जगावा, नवई वक आगे आगे साथवा निभावा, हाय दुखिया गरीबावन के, अरे दुखिया गरीबावन के हो बेड़ा पार भैया जन्मदिन बधाई ऋषि, जन्मदिन बधाई ऋषि यादव के हमार भैया जन्मदिन बधाई ऋषि। जय हिंद जय भारत। और सुनाना चाहेंगे दर्शकों को हमारे भाई, आप तो एकदम पक्के सपाई हैं। हाँ, आप सपाई नहीं, हम तो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव भी हैं, और अभी अभी 2 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ में बुला करके पूरे प्रदेश के कलाकारों को सम्मानित करने का काम किया, जिसमें मैं भी आजमगढ़ से संतोष यदुवंशी सम्मानित हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों से। सुना दीजिए फिर एकदम जोश में। समाजवादी पार्टी का ऐलान 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 जेकर शाही किलबा शान 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 समाजवादी पार्टी का ऐलान जेकर शाही किलबा शान। अरे यूपी के लोगावन का जान शाही किल, अरे यूपी के लोगावन का जान शाही किल, बड़ी शानदार बतोहार शाही किल, बड़ी शानदार बतोहार शाही किल। अपने तो वोट दिया सबके बताया, 2024 में सपा के जीताया। अरे डिंपल भाभी का ऐलान 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 शिवपाल चाचा का सम्मान सम्मान सम्मान, डिंपल भाभी का ऐलान शिवपाल चाचा का सम्मान। अरे जौनपुर ऋषि यादव का जान साइकिल, हाय जौनपुर ऋषि यादव का जान साइकिल,
बड़ी शानदार बा तोहार साइकिल, बड़ी शानदार बा तोहार साइकिल। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। क्या सुनाना चाहेंगे और रफ्तार पकड़ ले 24 के लिए, रफ्तार के लिए और क्या सुनाना चाहेंगे कि साइकिल रफ्तार पकड़ ले? एकदम साइकिल रफ्तार पकड़ी हुई है और इंतजार है हम लोगों को भाई, फिर आपसे मिलेंगे। क्या कहेंगे, साइकिल भी आपकी तेज रफ्तार पकड़ेगी 24 में? जी, आने वाले समय में साइकिल की रफ्तार एकदम दुगनी तेजी से एकदम चल रही है। निश्चित भैया, ये ऋषि यादव हैं जो समाजवादी कुटिया का संचालन करते हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि साइकिल की रफ्तार भी बढ़ेगी और क्योंकि विश्वास हमारा जो है विकास पर है, इसलिए साइकिल की रफ्तार जो है वह बढ़ती रहेगी। कैसा लगा इंटरव्यू जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।